स्टार्ट ना व्लॉग स्टार्ट कर दे अबे कर दे वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं बता तो दूं लेकिन हम आपको क्यों बताएं कि हम कहां जा रहे हैं, आप लोग खुद ही देख लें इस व्लॉग में कि हम लोग कहां जाने वाले हैं। सुबह सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी अन्नी पूरी खाने वाला है। अभी हम लोग आ चुके हैं खाला के घर पे। यहाँ पे अभी अभी जानवर कटने वाले, बहुत सारी आवाम आ गई है यहाँ पे क्योंकि बहुत ही बड़ा जानवर है। आपको मैं दिखाता हूँ, माशाल्लाह से कसाई बहुत सारे आ गए। बस ये भी थोड़ी ही देर का मेहमान है। डर लग रहा आपको? आपको काऊ नहीं मारेगी मुन्नी? हैं? वो रे आपते बाबा मिराज आपको मारेगा, ये नूर को नहीं मारेगा। नूर बड़ी है ना, नूर को नहीं मारता, आपको मारेगा खुराटे। ये देखो कैसा भागे, ऐसा लग कैसा भागे, लग तला भी डर रहा है। देखिए गाइस मेरी नूर तैयार होके आ चुकी है, सुबह सुबह काओ काटते ना, काओ बन गई हो गप्पू बन गई हो। तो गाइस इसको थोड़ा सा खाना वगैरह खिला दें, पानी पिला दें, और जब तक यहाँ पे देखें सब लोग रश लग चुका है और यहाँ पे थोड़ा सफाई का काम जारी है, सफाई का वेट कर रहे हैं। हमें उल्लू बनाते आप यहाँ से यहाँ पे आ गई थी। अब बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने तो उल्लू बनाते आई थी हम यहाँ पे, क्यों क्यों आई थी उल्लू बना के? अल्लू बना के आ जाती है ये, बहुत तेज है। देखे गाइस ये गली का लड़का है हमारी, इसके पैसे तो बता दे गाइस को हमारे। तो गाइस ये देखें 4.5 लाख रुपए का कज़न लोग लेकर आए माशाल्लाह से, और 4.5 लाख में भी ये सस्ता है जिस हिसाब से माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती है। जिसमें मैं गंदा हो गया यहाँ पे बैठ के बस। ओ हो यार बल्ली को घुसेड़ दिया। गाइस को जाना है कि आखिरी वक्त के लिए खंबे की पोजीशन पे जा रहा है, खंबे में हाँ बांध ही दे, वीडियो भी बनवानी है, मजाक भी उड़ाना है। हेलो गाइस, हेलो गाइस की आवाज़ें आ रही हैं मुझे। ओए ये नहीं रिक्शे की, ये दानिश हम हो गए आ गए, और बाकी शिव भाई, ये जुनेद भाई रस्सी बांध रहे हैं, ये बांधने दे इसको, बांधने तो नहीं बोलो अबे यार, बांधने देना यार, मिला
दानिश हम ये रे भाई लोग रस्सी के लिए निकाल ले पिछले जल्दी कर ले यार। अबे यार ये लोग रस्सी खोलने में लगे में अबे भाई मैं बोल नहीं रहा था फोन के रखो यार इसको फोन दे रहा हूँ छह बजे आएंगे किस तरह से आना है पहले बाहर तो कहीं भी चल 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 समीर इस तरफ से हट समीर एक और दे दो एक और दे दो वो रस्सी नहीं खोलो गले वाली पकड़ो पकड़ो दबाओ 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 गर्दन पे हाँ गर्दन पे सही है और पक्की वाला ऊपर के बंदे ऊपर के बंदे ऊपर के बंदे वाले ऊपर के वाले आगे वाले बाजू आगे वाले आगे वाले मल्लो कैची वाले मल्लो आगे अबे क्या नकेल टूट गई नकेल निकल गई हैरानी तो जो काले वाला था उससे भारी है ये काफी माशाल्लाह से। अच्छा ये तो बता दे रस्सी तोड़ने में कितने मिनट लगते हैं? 1 मिनट ही लगेगा। फिर लपेट देते हैं इसके और भाई हैरानी इसका कहना है रस्सी तोड़ के 1 मिनट भी नहीं लगेगा भाई इतनी सारी भी मैं झटका मारेगा ऐसी खेलने का वो बच्चों बच्चों पीछे हटो बांध दो अरे यार हटो यार पीछे हटो खंभे में घुमा वो कसाई अपनी छुरी लेने गया गुर्रा रहा है इसका नाम नहीं है ये दोनों अपने ऊपर ले लेगा वो लाओ भाई अपनी चोरी भी दे दो अपनी चोरी भी दे दो किस स्टाइल में खड़े हैं आशिम भाई देखे दोनों टांगे पकड़ गए
बोले काय बचियो अब बात करें जहाँ पे गए एक भी गोश्त नहीं मांगा एक भी नहीं मांगा हराम है थैली दिखा पहले थैली दिखा थैली क्यों रख के घूम रहा है फिर मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए मुन्ने के चाल शराबी गाल गुलाबी चाल शराबी रे कैसे अनाड़ी से पाला पड़ा जी पाला पड़ा बिना रुपये के आके मैं इसके पीछे पड़ा पोपट न जाने तेरा नखरे बड़े है पोपट न जाने तेरे नखरे पे लाखों रुपया उड़ा। बस यहाँ पे गोश्त की पैकिंग चल रही है सईद भाई ने गोश्त स्टार्ट कर लिया बांटना बस ये रही है और यकीन करें आप देखेंगे ना जैसे हम लोगों ने पाँव बांधने की गुफाफी नहीं करी थी वही वाला सीन था। ये हमारा इस ठेले में गोश आ चुका है और नूर हमारे साथ चल रही है ना चल रही हो ना चलो नूर भी चल रही है आई यहाँ की पोजीशन भी आपको दिखा दूँ ये और ये बस एंड पर है विनय भाई चीना वहाँ जा रही हो चलो चीना वहाँ जा रही है भाई। तो गाइस यहाँ पे कुर्बानी कंप्लीट हो चुकी है और अन्नी और ये नूर यरीश आ गया गोश्त का थैला लेके हमारा गोश्त आ गया ये तो अब मैं जाता हूँ घर पे सही है नूर बाय बाय हम जा रहे हैं नूर हम जाए आप चल लियो है जाओ अच्छा अच्छा चल रहे चलो गाइस हम लोग अभी रुके हैं यहाँ पे जरा कार्ड पे ना नाम लिख दें चाचू को यहाँ पे अल्लाह ने इतनी बड़ी गोश्त के जो है ना मतलब थैला दिया है पूरा कि गोश्त का थैला ही फटने लगा था लेकिन इसके अंदर हड्डियाँ हैं ही नहीं टोटल जो है ना सिर्फ बोटे ही बोटे और बीच में रखने में बहुत ही भारी है ये और ये रिश लिख रहा है कार्ड पे नाम लिख रहा है और ये जो है ना इसी के अंदर बोटे बोटे भरे हुए खाला ने दिया माशाल्लाह उसके अंदर गोश्त इतना निकला ये रहा इस्माइल और ये रहा सामने चाचू का घर ये जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई वैगनार ये चाचू का घर है तो ये मैं देख कर आ जाता हूँ तुम लोग छाव में खड़े हो जाओ मैं देख के आ जाता हूँ टक्कर के हाँ नजम चाचू इस फैमिली लिख दो गप्पू इधर तो आओ ये देखें गाइस गप्पू कितना खुश है माशाल्लाह से हमारे साथ ये देखें वाओ चले मैं देख कर आता हूँ तो गाइज आज ईद का तीसरा दिन था और जो है ना हमने देखे नहा धो के कपड़े चेंज कर लिए अब मैं जाऊंगा एक कार्ड बांटने और कार्ड बांट के फिर जो है ना मुझे बहुत काम है गाड़ी के काम है गाड़ी में भी एक न्यू टायर लेना है और क्या बोलते हैं पेट्रोल वगैरह डलवा के बिल्कुल रेडी करना है क्योंकि कल है बहनों की माइयों तो वो मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगा फिलहाल मैं एक कार्ड बांटने जा रहा हूँ फिर वहाँ से आके थोड़ा सा गोश वोश भी सेट करना है बहुत सारे काम है मुझे बहुत काम है यकीन माने अभी जो है ना तो मैं इस व्लॉग को फिलहाल करता हूँ यहीं पे एंड आई होप आप लोगों ने व्लॉग में एंजॉय किया होगा एंजॉय किया होगा यार वीडियो को कर दें लाइक एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट व्लॉग में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किस स्टाइल में खड़े हैं आशिम भाई देखे दोनों टांगे पकड़ के आ लिए अब आई थी तब तू ने खींच ली।